मोटर व्हीकल एक्ट आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट मोटर व्हीकल एक्ट में बड़े बदलाव कर सकता है। जिस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें तो मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़े बदलाव कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत से जो है वो डाटा मंगवाया है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार कितने लोग हैं अक्सर जिनकी गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, यानी जिनकी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, या इनमें कितने ज़्यादा लोग जो है वो मारे जाते हैं। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को कहा है कि आप एक ऐसी स्कीम प्रिपेयर करें जिसमें सजेशन हो और इम्प्लीमेंटेशन हो कि किस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंड किया जा सकता है। यानी यहाँ पर आपको बता दें कि अगर कोई एक्ट बनता है तो उसे अमेंड भी किया जा सकता है, ऐसा भी कहना है सुप्रीम कोर्ट का। मोटर व्हीकल एक्ट जब बनाया गया था तब उसमें कई और चीज़ें और किसी और चीज़ों को देखकर बनाया गया था, कुछ की पॉइंट्स रहे होंगे, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा होगा, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो है अमेंड होना चाहिए। इसलिए बात करते हैं नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप एक स्कीम प्रिपेयर करें, सुजेशन दें कि किस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है और मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंड किया जा सकता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑर्डर पास किया है बेंच ने जस्टिस जे के महेश्वरी एंड जस्टिस के वे विश्वनाथा। एक एयरिंग के दौरान जो है वो एक एयरिंग सुन रहे थे जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के बारे में बातचीत हो रही थी दिसंबर 2022 में। तभी उन्होंने कोर्ट को कहा कि ये सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत स्लो चलती हैं, शायद हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें जो है तब्दीली करने की ज़रूरत है। तभी कोर्ट ने जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये हिदायत दिए कि आप एक काम करिए, जितने भी भारत देश में राज्य हैं यूटीज़ हैं उनका डाटा हमें दीजिए कि कौन से एक्सीडेंट ऐसे क्लेम्स हैं जिनमें किया जा सकता है और कौन से एक्सीडेंट ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिनमें कंपनसेशन दी जा सकती है। आपको बता दें कि तब शुरू में जब ये एक्ट था तब जो है इन सब ने जो है बड़ी गंभीरता से लिया, लेकिन उसके बाद में जब बेंच जो है रिपोर्ट मांग रहा था तब कुछ राज्य यानी स्टेट्स और यूटीज ने जो है बहुत ढीला रवैया बरता और फिर जो है कोर्ट की तरफ से इन्हें जो है फटकार भी लगाई गई। आगे आपके बता दें कि बहुत सी स्टेट्स थी जिन्होंने बहुत लथार्जिक यानी बहुत ऐसा बिहेव किया कि जैसे वो कुछ जानते ही नहीं है इस एक्ट के बारे में। एडवोकेट जे आर मिधा उनके बारे में बात करते हैं, एमर्क्सेस जो कंप्लेन है उनकी बात करते हैं। यहाँ पर एक्ट जो कहता है उन्होंने सब चीज़ों को ध्यान में रखा और आगे उन्होंने ये कहा कि इसमें जो है अमेंड करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मोटर व्हीकल एक्ट में किन चीज़ों का अमेंड किया जाना है। मोटर व्हीकल एक्ट में सबसे बड़ा क्लॉज यहाँ पर दिख रहा है कि जब दोनों गाड़ियाँ आपस में टकराती हैं, एक गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाली गाड़ी से दूसरे व्यक्ति को लग जाए, ऐसा भी हो सकता है कि उसे बहुत ज़्यादा इंजरीज हो, और ये भी हो सकता है कि वो दुनिया में ना रहे यानी उसकी मौत हो जाए, तो ऐसे में मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत इसीलिए है। ये भी देखा जाएगा कि सामने वाले की गाड़ी से जब बंदा हिट हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन सामने वाले की कोई गलती है या नहीं है इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसीलिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हमें रिपोर्ट दें कि मोटर व्हीकल एक्ट को हम किस तरह से अमेंड कर सकते हैं। लोगों के लिए बड़ी यूजफुल अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट कर सकता है, कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकता है, कुछ सजेशन देंगे और कुछ चीज़ों को बाहर निकाल सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को मोटर व्हीकल एक्ट में किन सब चीज़ों को रखना चाहिए और किन सब चीज़ों को बाहर निकालना चाहिए, उसके बारे में आप भी हमारे जम्मू बुलेटिन न्यूज़ के कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी दे सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं और बता सकते हैं किस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, किस चीज़ को बाहर निकालना चाहिए। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। साथ ही साथ आप इस न्यूज़ चैनल को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स अपनी राय जो है वो जरूर रखें।